से जुल्म सितम के बादल जहां से जुल्म सितम के बादल सही कीजिए आवाज सही कीजिए जहां से जुल्मो सितम के बादल हटाने वाला मेरा नबी है जहां से जुल्मो सितम के बादल हटाने वाला मेरा नबी है। रिपीट कम कीजिए, बहुत ज्यादा रिपीट है। रिपीट कम कर दीजिए, इको रखिए, रिपीट कम कर दीजिए जरा सा, एक पॉइंट है ना, ताकि आवाज समझ में आए। हाँ, समझ में आए लोगों को। मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ कि उस अंदाज में पढ़ूंगा, ठीक है? हाँ, माशाल्लाह, बहुत अच्छा माइक है आपका, अल्लाह सलामत रखे। सुनिए कि जहां से जुल्मो सितम के बादल हटाने वाला मेरा नबी है जहां से जुल्मो सितम के बादल हटाने वाला मेरा नबी है और जहां से जुल्मो वाला मेरा नबी है जहां से जुल्मो सितम के बादल हटाने वाला मेरा नबी है। जमीन पे आकर जमीन को जन्नत बनाने वाला मेरा नबी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, क्या बात है। जमीन पे आकर जमीन को जन्नत बनाने वाला मेरा नबी है। जमीन पे आकर जमीन को जन्नत बनाने वाला मेरा नबी है। जमीन पे आकर जमीन को जन्नत बनाने वाला माशाल्लाह। एक शेर और पहुंचाता हूं, समाप्त कर ले आप हजरात। देखिए जरा सी बेदारी चाहिए, है ना? मुझे ऐसा लगना चाहिए कि मैं उड़ीसा में पढ़ रहा हूं, है ना मेरे भाई? मैं एक शेर पढ़ता हूं, सुनिए। कि आसी उम्मत के गम में आंसू बहाने वाला मेरा नबी। मेरे साथ पूरा मजमा नारा लगाए, नारा आप लगाएंगे सवाब आपको मिलेगा, मुझे भी मिलेगा, लेकिन ज्यादा आपको। नारे नबी, नारे रिसालत, रहमते आलम, बांधे सर जमीन मौजूदी नगर बस्ती, टन सुनने मौजूदी नगर बस्ती, क्या है बड़े मतलब का नाम यहाँ पर है, नाम दिया है नारे तकबीर के। कल्ब में उल्फते सरकार रखी है, कल्ब में कल्ब
फूल फूल दे सरकार बसा रखी है। अरे जिंदगी मैंने तेरी शान बढ़ा रखी है। मुझ गुनाहगार की किस्मत में कहा की बख्शीश मेरे आका ने मेरी लाज बचा रखी है। देखें देखें ये आपके इलाके के आपके बस्ती के मस्तान हैं। हालांकि इनका नाम मस्तान है नहीं, लेकिन सरकार मुजाहिदे मिल्लत का और हुजूर हबीबे मिल्लत का ऐसा करम हुआ है कि सारे उलमा शोरा इनको जानते हैं मस्तान के नाम से, है ना। ये बहुत बड़ा करम है सरकार मुजाहिदे मिल्लत का, है ना। और बुजुर्गाने दीन का जिसपे करम हो जाए, जिसपे करम हो जाए उसकी किस्मत का क्या पूछना है मेरे भाई, है ना। तो जरा सा बेदारी से सुने आप हजरात ताकि मेरी तबीयत लगे और मैं जो लेके आया हूँ वो सब आपको दे के जाऊँ, है ना। तो सुने मोहब्बत के साथ जरा कह दीजिए सुभान अल्लाह। आवाज इसकी साफ कीजिए मेरे भाई, आवाज साफ कीजिए, बहुत दबी हुई आवाज है इसकी। हाँ खोलिए आवाज को, साफ कीजिए, मैं पढ़ता हूँ आप साफ कीजिएगा। सुनिए कि जमीन पे आकर जमीन को जन्नत बनाने वाला मेरा नबी है। जमीन पे आकर जमीन को जन्नत बनाने वाला मेरा समाप्त कर ले आप हजरात, इससे अच्छा पहले ही बज रहा था जब मैं शुरू में पढ़ रहा था। सुनिए कि जमीन पे आकर जमीन को जन्नत बनाने वाला मेरा नबी है। और गुनाहगारों नगम जमाने वालों, जमाने वालों न गम मनाओ, उठो उठो उठ के मुस्कुराओ। गुनाहगारों न गम मनाओ, उठो उठो उठ के मुस्कुराओ। खुदा के कहरो, खुदा के कहरो, गजब से हमको बचाने वाला मेरा नबी है। खुदा के जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शफाते मुस्तफा, शाने रिसालत। खुदा के कहरो, गजब से हमको बचाने वाला मेरा नबी है। मेरे सामने मेरे साथ आधा मिसरा पढ़ ले, मेरा नबी है, बस इतना पढ़ ले मेरा नबी है, तो इंशाअल्लाह ताला मजा आ जाएगा और महफिल में एक रंग तारी हो जाएगा। मैं पढ़ता हूँ और मेरे साथ आप पढ़ लीजिएगा मेरा नबी है, ठीक है। जमीन पे आकर जमीन को जन्नत बनाने वाला मेरा नबी। जमीन पे आकर जमीन को जन्नत बनाने वाला मेरा नबी है। अब एक शेर आ रहा है, जितने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत के गुलाम हैं और अपने आप को कहते हैं कि मैं हबीबी हूँ, मैं उन सब के हवाले से एक शेर पढ़ता हूँ। अहले मिंबर की दुआएं चाहता हूँ, आप सब के हवाले से वो शेर पढ़ता हूँ। सुनिए जरा मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। के रजा के करम का सदका लुटा रहा है मेरा मुजाहिद। रजा के फैज़ों करम का सदका लुटा रहा है मेरा मुजाहिद। रजा के फैज़ों करम का सदका लुटा रहा है हबीब रहे माँ, हबीब रहे माँ, हबीब रहे माँ की शानो अजमत पढ़ाने वाला मेरा नबी है। नारे तकबीर, अब्बासी जिला सरकार मुजाहिद मिल्लत, शेर-ए-रज़ा मुजाहिद मिल्लत,
शेर हामिद मुजाहिद मिल्लत नारे तकबीर सर जमीन जयपुरा मोहिउद्दीन नगर बस्ती। अरे वाह जिंदाबाद। जवाब तो दीजिए नारे का। अच्छा माशाल्लाह। मैं ये सोच रहा था इस बस्ती में एक ही मस्तान है, लेकिन माशाल्लाह इनके जोड़ीदार भी हैं। अल्लाह सलामत रखे, है ना। मुस्कुरा दीजिए मेरे भाई, मुस्कुरा के कह दीजिए सुभान अल्लाह। देखिए सुंडियों का चेहरा जो है खिलते हुए गुलाब की तरह होता है ना। आप क्या सोच रहे हैं मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन मैं इतना जानता हूँ जितने लोग बैठे हैं सभी हबीबी गुलाम हैं। मुजाहिदे मिल्लत के सच्चे आशिक बैठे हुए हैं, और मुजाहिदे मिल्लत का गुलाम जो होता है इतनी खामोशी से नहीं सुनता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप बोलेंगे। मैं पढ़ता हूँ समाप्त करने, मेरे मस्तान साहब ने कहा कि शेर को फिर से पढ़िए, मैं फिर से पढ़ता हूँ, सुने आप हजरात। देखें मैं पढ़ता हूँ समाप्त फरमाएं, लेकिन वो रंग अभी तक नहीं मिल रहा है जो रंग मिलना चाहिए, वो रंग नहीं मिल रहा है ना। मैं पढ़ता हूँ लेकिन आपकी बेदारी होनी चाहिए, आपने मुझे खड़ा होने पे मजबूर कर दिया है। मैं पढ़ता हूँ समाप्त कर ले, आप हजरात जरा पेशगी के तौर पे मजमा एक जबान हो के कह दे सुभान अल्लाह। पूरा मजमा, पूरा मजमा, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है, और जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा। माशाल्लाह। सुने कि रजा के फैजो करम तसदका लुटा रहा है मेरा मुजाहिद, रजा के फैजो करम तसदका लुटा रहा है मेरा मुजाहिद। हबीबे रहमा, हबीबे रहमा की शान अजमत बढ़ाने वाला मेरा नबी है। रहमा की शान अजमत बढ़ाने वाला जी माशाल्लाह। मैं जानता हूँ कि जितने लोग बैठे हैं टनाटन हबीबी हैं, लेकिन हबीबी से पहले हम क्या हैं? मैं एक शेर पढ़ता हूँ और आपको वहां ले चलता हूँ जो इश्क मोहब्बत का इमाम है। इशारा अगर समझ रहे हैं तो खामोश नहीं रहेंगे। सुने कि अता किया अपना इश्क ऐसा, कब बोलिएगा जरा मोहब्बत से, अता किया अपना इश्क ऐसा इमाम इश्क को वफा बनाया, अता किया अपना इश्क ऐसा इमाम इश्क को वफा बनाया, अता किया अपना इश्क इमाम इश्क को वफा बनाया। बरेली वाले, बरेली वाले, बरेली वाले को आला हजरत बनाने वाला मेरा जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत सरकार हुजूर मुजाहिदे मिल्लत रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, शायर इस्लाम याकूब उस्मानी जबलपुरी। बरेली वाले को आला हजरत बनाने वाला, बरेली वाले को आला हजरत बनाने वाला मेरा नबी है। दुनिया चाहे जितनी भी तरक्की कर ले, 21वीं सदी का मुसलमान भले से चांद पे जाने का दावा कर ले, लेकिन मैं एक शेर पढ़ता हूँ मुसलमानों, तड़प जाएंगे हम किस नबी के उम्मती है। मैं शेर पढ़ता हूँ समाज फरमा ले आप हजरात, जरा मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुने कि वो चांद जिसको जमाने वाले अभी भी
जमाने वाले अभी भी हुआ समझ रहे हैं, वो चांद जिसको जमाने वाले अभी भी हुआ समझ रहे हैं, उसी को बचपन में उंगलियों से नचाने वाला मेरा नबी। उसी को बचपन में उंगलियों से नचाने वाला, उसी को बचपन में उंगलियों से नचाने वाला मेरा नबी है। जमीन पे आकर जमीन को जन्नत बनाने वाला। एक शेर मैं पढ़ता हूँ, समाज फरमा लें आप हजरात, कि पत्थर का दिल लोहे का जिगर सब पारा पारा होता है, और जब नाम अली का लेते हैं तो मैदान हमारा होता है। जरा एक नारा बुलंद कर दें, या अली या अली या अली या अली, और बुलंद आवाज से या अली या अली। जमाने वाले ये जा के अली है मौला, जमाने वाले ये जानते हैं जमाने भर के अली है मौला। दरअसल मौला दरअसल मौला दरअसल मौला अली को मौला बनाने वाला मेरा नबी है। दरअसल तेरे खुदा अली अली, अरे मुश्किल पूछा अली अली, दामादे रसूल अली अली, इल्म का दरवाजा अली अली, नारे तकबीर। और जब 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 बात मौला अली की आ गई है, जब बात मौला अली की आ गई है, तो वो वाकया को कैसे मैं छोड़ दूँ जो हजरत अली के लिए मेरे नबी ने किया, वो मौजजा। समाज फरमा ले आप हजरात दीवानों, जरा सा मस्ती में आ जाइए, लगना चाहिए कि हबीबी गुलाम बैठे हुए हैं। सुनिए कि जमाना कैसे भुला सकेगा मकाम सहबा के मौजजे को, जमाना कैसे भुला मकाम सहबा के मौजज़े को, ज़माना कैसे भुला सकेगा मकाम सहबा के मौजज़े को, के अली की खातिर अली की खातिर वो डूबा सूरज बुलाने वाला मेरा नबी है। अली अली की खातिर वो डूबा सूरज बुलाने वाला मेरा, अली की खातिर वो डूबा सूरज बुलाने वाला। जमीन पे आकर जमीन को जन्नत बनाने वाला। माशाल्लाह, नाते पाक मैंने पढ़ दी। अब जो महीना ये हमारे सरों पे साया फगन है, ये बड़ा ही मुबारक महीना है मेरे दोस्तों। सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु को निस्बत है इस महीने से, है ना, और हम सब जो है कादरी गुलाम हैं, सरकार गौसे आजम के दर के फकीर हैं। मैं जी बेशक बेशक बेशक, ऐ माशाल्लाह,
क्या बात है। मैंने कहा लोग लंगर खा रहे हैं, हम कर वाले हैं, पीराल पीर का सिरली खा रहे हैं, हम लोग विश्वास वाले हैं, वास्ते पाक का लंगर खा के हमारा घर चल रहा है, इसलिए हम लोग पैदा हुए हैं उसी घर में, ये मेरे मुजाहिदीन का करम। बेशक बेशक तुम्हें मैं उसी बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने की सआदत हासिल करना चाहता हूँ, लेकिन आप हजरात मेरे साथ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला सरकार गौसे आजम का करम हो जाएगा। समाप्त करें आप हजरात, सुने जरा सा रिपीट पढ़ाइए, सुनिए रुतबा ये विलायत में